नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। खजूर के पेड़ पर लटककर बुर्ज खलीफा के मालिक बनने के ख्वाब सिर्फ पाक की मदरसा पैदाइशी देख सकती है। खासतौर से जिनके वजीर ही तहमत हिलाते हिलाते पैदा हुए हो, वह जरूर कालीन बुनने की कला का ढिंडोरा पीट सकते हैं। यह अलग बात है कि कालीन भी आखिर में जालीदार टोपी की शक्ल ले लेगा, क्योंकि यह मदरसे से ज्यादा और टोपी से ऊपर का ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब पाक के जिस पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ को इसमें संदेह है, पहले वे इस पेलम पेल मंत्री को सुन सकते हैं, क्योंकि यह मदरसा पैदा इसका वह जीवित प्रमाण है जो पाक की मदरसा संस्कृति का अग्रणी ध्वजवाहक है। और यकीनन पूरे पाकिस्तान में ऐसे टोपीबाज नमूने वजीर आजम हाउस से लेकर सक्कर तक भरे पड़े हैं। इन्हीं के ज्ञान से पाकिस्तान बना, इन्हीं के ज्ञान पर पाकिस्तान चला, और इन्हीं का ज्ञान मदरसा पैदा इसको गदैया नृत्य कराता है। आइए सुनते हैं पेलम पेल मंत्री शेख रशीद को। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में, सो 24 करोड़ लोगों ने 24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में, सो 24 करोड़ लोगों ने 24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। देखे बेगम का हिजाब और पाक के मुल्ला का हिसाब गुप्ती रहे तो ज्यादा अच्छा है, वरना इससे जग हसाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस मुल्क की आबादी 22 करोड़ के लगभग है, वहां रेलवे ने 40 करोड़ टिकटों की बिक्री करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान रेलवे ने उन टोपीबाजों का रिजर्वेशन भी कर डाला जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। वैसे पाकिस्तान ने WHO के उस बयान पर भी मोहर लगा दी जिसमें लॉकडाउन को आबादी में वृद्धि के लिए कारण बताया गया है। पर सवाल यही है कि पाक के इतने टोपीबाज यहाँ की छकड़ा रेल में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? यह मोदी का डर है या फिर इमरान की घबराना नहीं ने इनकी घबराहट बढ़ाई है? ईद तो हर साल आती है, मगर ऐसी भगदड़ पहली बार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में साल में 65 मिलियन लोग रेलवे से यात्रा करते हैं, जबकि 228 मेल पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन इन जमूरों को ढोती है। पाकिस्तान रेलवे की कुल आमदनी मात्र 19 अरब 16 करोड़ रुपए के लगभग है। ऐसे में 24 करोड़ टिकट का बिक जाना पुदेने की रियासत से मदीने की रियासत के आने का संकेत है, यानी तब्दीली आ चुकी है और तहमंद उठा लीजिए। परंतु इधर तो तहमत उठने से पहले ही गिर गए हैं। अगर शेख रशीद ने बुर्ज खलीफा के ऊपर से पत्थर पार करके दिखाया है, तो पाकिस्तानी फौज का यह जवान आंकड़े के बल पर पाक की फाड़ने में पीछे नहीं है। शायद ऐसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में मोदी के चुनाव जीतने की संभावना बढ़ती जा रही है। यही लोग हैं जो राहुल के अभियान में सबसे बड़ी बाधा है। शेख रशीद के बाद इस पाकिस्तानी फौजी को भी सुनना जरूरी है। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। देखिए हिंदुस्तान में तो यही कहा जाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। अब मोदी ने कश्मीर में 7 लाख फौजी खड़े कर दिए तो कहीं ना कहीं यही संकेत जाता है कि पूरा पाकिस्तान ही मुश्किल में है। शायद पाक का यह फौजी इस गणना को करने के बाद इतनी घबराहट में है। बड़ी बात यह है कि भारत की सेना भी बैरकों में है। मैदान में आ गई तो लाहौर के कंगूरों पर लटके बंबू इस्लामाबाद की तरफ घूम जाएंगे। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। इस देश में दो ही काम होते हैं, एक बकैती और दूसरा आप खुद सुन लीजिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इस नजर लगने की आदत ने पाकिस्तान की 80% आबादी से मुंह का निवाला छीन लिया है। 38% आबादी के ऊपर पक्की छत तक नहीं है, जबकि 29% परिवार दिहाड़ी हफ्ते की कमाई पर जिंदा है। मगर इमरान खान इस आवाम की सोचने की बजाय इस बात पर ज्यादा चिंतित है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। पाकिस्तान की सत्ता से लेकर जनता को भी अब पीओके के जाने की फिक्र सताने लगी है। शायद इसीलिए फौज में फैली है घबराहट उसकी हताशा ही बयान करती है, यानी भारत के जवान तैयार हैं, बस दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।